हेलो एवरीवन, चैप्टर 6 टेंथ क्लास सिविक्स क्लास के बारे में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया जाएगा। इसमें व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, क्वेश्चन छोटा आएगा ये 2 नंबर का। इसमें मीनिंग पूछना होगा कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी होती है, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, क्या है? पीपल्स का ग्रुप है। वो क्या करता है? हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको कहते हैं पोलिटिकल पार्टी। ठीक है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक बार वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको मान्यता मिलेगी, वहाँ पर परमिशन मिलेगी कि आप किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है नोट करने का, यहाँ पर पोलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आएगा आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का। आगे नेक्स्ट ये है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम। जो लोग इकट्ठे होंगे वो क्या करेंगे? सब एग्री होंगे। किसके बारे में एग्री होंगे? जो वो प्रोग्राम बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, सबकी एक राय होगी, सब उसमें एग्री होने होंगे, तभी पोलिटिकल पार्टी बनेगी। ठीक है, सबका विश्वास उसमें होगा, पॉलिसीज में और प्रोग्राम्स में। ठीक है, प्रोग्राम कैसे होंगे वो सारे? पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी को वेलफेयर करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम बनाए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी, उन सब की एक राय होगी, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है इसमें, तो व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कौन कौन से इसमें 3 तरह के जो है यहाँ पे कंपोनेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है लीडर्स, जो इसके बड़े लीडर्स होते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देख लो एक बार, वो सब में लीडर होते हैं। और सेकेंड होता है यहाँ पर एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर कौन से हैं? जो परमानेंट मेंबर है, बदलते नहीं है, एक ही पार्टी में रहेंगे वो लगातार। ठीक है, और थर्ड होते हैं फॉलोअर्स। तो 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं इसके पॉलिटिकल पार्टी के, तीनों होने जरूरी है तभी कोई पार्टी मानी जाएगी। मान लो लीडर हो अकेले, मेंबर ना हो, फिर कैसी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी? ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स भी होंगे, मेंबर्स भी होंगे जो एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, और फॉलोअर्स भी होने चाहिए, तभी कोई पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है ये 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या क्या है ये यहाँ पे बताया जाएगा। फंक्शन कौन से हैं इसमें देख लो एक बार, ये है व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, क्या काम करती है, या फिर व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। सभी क्वेश्चन इसी में से जो है आंसर निकलेंगे, इसके फंक्शन आ जाए, रोल आ जाए, या पार्टी क्या करती है, व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू, या फिर व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, इनमें कोई भी क्वेश्चन बन जाए 5 मार्क्स का आपका, तो आपका आंसर यही रहेगा सेम, जो इसके फंक्शन है वही इसका रोल है, वही इसके काम करने का तरीका, वही इसकी जरूरत है। ठीक है, ये रहेगा। तो फर्स्ट क्या है इसमें देख लो, पहले पढ़ा आपने ये, पॉइंट नंबर 1 दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, क्या फंक्शन करती है। पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन आर फोट मेनली, तो यहाँ पर क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी, कंटेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन में भाग लेगी, चुनाव में भाग लेगी, चुनाव के लिए यहाँ पर क्या करेगी, कंटेस्ट करेगी। ठीक है, यानी कि कोई भी अपना लीडर बनाएगी, उसको MLA के लिए, सरपंच के लिए, MP के लिए खड़ा करेगी, और चुनाव में भाग लेकर उसको जिताने का प्रयास करेगी। ठीक है, जो फॉलोअर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर है, सारे सपोर्ट में उसके क्या करेंगे, जिताने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जहाँ जो एरिया है, जहाँ पर उसने फॉर्म भर रखा है, जहाँ से वो खड़ा है, MLA बनना चाहता है, उस एरिया में पूरी जो है पब्लिक को वो क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे कि हमारी जो पॉलिसी अच्छी है, आप हमें वोट दो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो सेकंड जो है रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये होता है, पार्टीज आर पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम बनाती है, वो किसके लिए है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, वो सोसाइटी के लिए बनाती है, ताकि सोसाइटी में जो है अच्छे प्रोग्राम, अच्छे पॉलिसी के थ्रू क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिकली भी, सोशल भी, एजुकेशनल भी, जॉब के मामले में भी, सभी तरह के। ठीक, तो ये है, तो इसमें जो है एक पॉलिटिकल पार्टी अपना चूज करती है आइडियोलॉजी कि हमने किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, पॉलिसी बनानी है। ठीक है, तो ये चुनाव से पहले बनानी होती हैं पॉलिसीज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह पार्टी को। ठीक, और थर्ड यहाँ पे जो है इसका वो पॉइंट क्या है, इसके अंदर नेक्स्ट पेज भी है, ये है रूलिंग पार्टी। यहाँ पर दिखा रखा है कि पार्टी जो है 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है जो हार चुकी होती है, अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर रूलिंग पार्टी है, जीत के आई है, उसको मेजोरिटी मिली है, तो क्या बन जाएगी, वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, और वो लॉज बनाएंगे, यहाँ पे
जहाँ पर पार्लियामेंट में जाएंगे एमपी वो बनेंगे, या असेंबली होती है जो स्टेट की, वहाँ पर बैठ के भी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री, एक कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, यहाँ पर लॉ मेकिंग करेगी, पार्लियामेंट में लॉ ही बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे है इसका नेक्स्ट पॉइंट, वो है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी है, जीत के आई है, मेजोरिटी मिली है उसको, उसमें क्या होता है, जितने वाली पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, साथ में 5 साल के लिए वो बन चुकी है इसलिए वो गवर्नमेंट को रन करेगी, ठीक है। पहले गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट को रन करेगी, 5 साल तक गवर्नमेंट चलाएगी, मंत्री बनेंगे उसके, सीएम बनेगा उसका, पीएम बनेगा उसका, उस पार्टी का, सारे मिलकर क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे 5 साल के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है आपका। नेक्स्ट पॉइंट्स में ये दे रखा है, जो पार्टी हार जाएगी वो क्या करेगी, वो कहाँ बैठेगी, उसका रोल होगा उस पार्टी का रोल ऑफ अपोजिट का, ठीक है, विरोधी पार्टी का, जो हारी हुई पार्टी है, ठीक। तो पार्लियामेंट में जो है आमने सामने बैठते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपोजिट पार्टी कहते हैं, आमने सामने बैठना, अपोज करना। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जो रॉन्ग है, पब्लिक विरोध कर रही है, तो अपोजिट पार्टी क्या करेगी, अपना रोल निभाएगी, वो भी विरोध करेगी, अपोज करेगी, कि आपने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गलत पॉलिसी बना दी, रॉन्ग पॉलिसी बना दी, इसलिए आप जो है गवर्नमेंट चलाने के लायक नहीं हो, अगली बार इलेक्शन में आओगे तो हम क्या करेंगे, आपको हरवाएंगे, हम बनेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट हम बनाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी और एक होती है अपोजिट पार्टी, दो तरह की यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, ये वो क्या है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक की जो ओपिनियन है, विचारधारा है, उनके जो विचार हैं, थिंकिंग है उनकी, उसको चेंज करने का काम भी करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाती है, पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस दिखाएगी अपनी, या अपना जो है मैनिफेस्टो बनाएगी, अपने जो है उसके अंदर डाल देगी हमने प्रॉमिस वगैरह क्या करने हैं पब्लिक से। अब कोई भी MLA के लिए बनने जो आता है, वो क्या करेगा, पब्लिक के बीच जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, और वहाँ पर क्या करता है, अपने प्रॉमिस करेगा कि मैं इस एरिया का अगर MLA बन गया, सरपंच बन गया, या MP बन गया, या मंत्री बन गया, तो क्या कर दूंगा, आपके एरिए को मैं स्वर्ग बना दूंगा, सारी सुविधाएं दे दूंगा, यहाँ पर अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छे जो है यहाँ पे हॉस्पिटल, जॉब दूंगा सबको, इंडस्ट्री लगा दूंगा यहाँ पर, रोड बना दूंगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मार्केट बना दूंगा अच्छी सी। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वाईफाई फ्री कर देते हैं कई जगह, करते हैं ना, ये पूरे एरिया में वाईफाई फ्री कर देंगे, आप नेटवर्क यूज करते रहना, ठीक है, या जो गरीब बच्चों की फीस फ्री कर देंगे स्कूलों में। तो बहुत सारे अपने जो है मैनिफेस्टो में जो है प्लान करते हैं कि हमारी ये प्रॉमिस है। इससे क्या होता है, पब्लिक के जो ओपिनियन है, किसी भी थॉट होता है जो उसका, किसी विचार होता है किसी चीज़ का, तो वो चेंज हो जाता है किसके थ्रू, जो वो विचार वहाँ पे क्या करते हैं, ओपिनियन को यहाँ पर चेंज करने का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे कि देश के लिए है, आर्मी के लिए है, बहुत से जो पार्टियाँ सोचते हैं कि आर्मी के लिए अच्छे सोचे लोग, ठीक है, ये हमारी पार्टी के बारे में अच्छे सोचे लोग, तो सभी के बारे में जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी विचार चेंज कर सकती है, ओपिनियन को चेंज कर सकती है सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टी प्रोवाइड्स पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। यहाँ पे क्या देखो, जो पार्टी जीतेगी वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या करेगी वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या करेगी वहाँ पर, जो पॉलिसी बनाएगी इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगी, ठीक है। अगर उसने पार्टी ने अपने इंप्लीमेंट कर दिए सारी पॉलिसीज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह, तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, उनका जो है यहाँ पर पूरी एरिया में, पूरे पब्लिक के बीच में उनका एक अच्छा थिंकिंग हो जाएगा कि हाँ इस पार्टी ने अच्छा काम किया, ठीक है, ये काम हो जाएगा, तो सिस्टम क्या बन गया इनका सबका, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगी गवर्नमेंट बनने के बाद, ठीक है, जो उसने प्रोमिस किए थे उनको पूरा करने के लिए पूरी मशीनरी को लगा देंगे, पूरे ऑफिसर्स को बोल देंगे, सॉरी मंत्रियों को बोल देंगे कि आपने ये काम करने हैं जो हमने प्रोमिस किया है, या जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, ठीक है। जैसे पॉलिसी बनाई थी इंडिया ने कैसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, उसका फर्क भी पड़ा, पड़ता ना उसका चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छ भारत अभियान था एक पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट किया पूरे इंडिया में, हर जगह सफाई की गई, ठीक है, नए नए जो यहाँ पे बनाए गए बाहर, क्या बनाए गए तो हर चीज़ जो है गवर्नमेंट सोच समझ के पॉलिसी बनाती है, उसमें फिर बाद में यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया जाता है उसको। तो ये हमारा जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा इस चीज़ का,
इसमें हमने देखा फंक्शंस हैं, रोल वगैरह हैं जो इसके वो है पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। तो अगला जो इसमें एक और क्वेश्चन बनता है वो है नेशनल पार्टी कौन सी होती है और लोकल पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी कौन सी होती है, वो हमने देखना है। इसमें कौन सी वो दो तरह की पार्टियाँ होती है, नेशनल और लोकल, लोकली मीनिंग स्टेट लेवल की पार्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, मल्टी पार्टी यानी कि बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और जो जीतेगी वही यहाँ पर क्या बनाएगी, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ पार्टियाँ नेशनल हैं लेवल की हैं, पूरे ऑल इंडिया में उनकी वैल्यू होती है, हर जगह इलेक्शन कंटेस्ट करती है और वहाँ पर जीत जाती है वो। और दूसरी होती है स्टेट लेवल की पार्टियाँ, जैसे कि दिल्ली की अलग है, यूपी की अलग है, हरियाणा पंजाब की अलग अलग है, सबकी पार्टी जो है यहाँ पर दिखाई दी। तो नेशनल पार्टी कौन सी होगी एक बार देख लेते हैं इसको। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को कैसे फॉलो किया जाता है, एज ए फेडरल सिस्टम है। फेडरल जैसे कि एक गवर्नमेंट सेंटर में होगी, एक स्टेट के अंदर होगी, यानी पूरे इंडिया के लिए ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठेगी, पार्लियामेंट से वहाँ पे काम करेगी, लोकसभा में उसके मेंबर होंगे, वही पॉलिसी बनाएंगे और लॉज बनाएंगे, एक पीएम होगा पूरी कंट्री के लिए। और जो स्टेट्स हैं हमारी अलग अलग 28 स्टेट है ना, अभी कितनी हैं 28 है और 9 यूटी है, हाँ 28 कंट्री स्टेट होगी हमारे, अभी जम्मू को यूटी बना दिया, ठीक है, एक कम हो गई, तो यूटी अभी 9 होगी और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई, 28 अब क्या हो गई हमारी स्टेट हो गई। तो 28 स्टेट में अलग अलग हमारे सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट के अंदर वो होती है लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरल में हमने देखा है चैप्टर 2 में पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट लेवल पर होगी, यानी स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की ज़्यादा बड़ी पावर है, सेंटर की अलग पावर है, ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं इसको। तो डेमोक्रेसी में दो तरह गवर्नमेंट बनते हैं, स्टेट में और एक सेंट्रल, और साथ में लोकल भी बनती है, गांव में पंचायत वगैरह बनती है, सिटीज में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है। तो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग डेमोक्रेसी में ऐसा ही सिस्टम है, कनाडा में, यूएस वगैरह में, सब जगह फेडरलिज्म बना रखा है, इंडिया में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो जो नेशनल पार्टी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन सी पार्टी नेशनल है, कौन सी स्टेट पॉलिसी की यहाँ पे। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी में आएगा वो भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक कमीशन बना रखा है, अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पूरी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाता है ये एमएलएज के और एमपीज वगैरह के, ठीक है। तो सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, पार्टीज को सिंबल देने का काम इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है, पार्टीज को क्या देगा, सिंबल देगा, ये पार्टी नेशनल है या लोकल पार्टी है, स्टेट की पार्टी है, उसको भी डिफाइन करेगा ये, ठीक है। और जो इलेक्शन लड़ेंगे कंटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए क्या बनाएगा, उनके लिए यहाँ पे एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक ऐसा उनके लिए नियम बना देगा, रूल और रेगुलेशन बना देगा कि आपने इन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग ही इलेक्शन में कंटेस्ट करना है, इन्हें खिलाफ नहीं, ठीक है। जैसे कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगने, जात के नाम पे वोट नहीं मांगने, ठीक है, शराब नहीं बांटनी, पैसे नहीं बांटने, इतना खर्चा करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ही किसी पार्टी को डिफाइन करेगा, ये पार्टी नेशनल पार्टी है और ये स्टेट की पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टी हैं जो अपनी नेशनल पार्टी हैं, 6 या 7 पार्टियाँ जो हैं इंडिया में, पार्टियाँ जो है नेशनल लेवल की हैं, क्योंकि वो एक से अधिक राज्यों में गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके मेंबर्स होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, लीडर होते हैं, वहाँ पे वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन का, तो वो होती है नेशनल पार्टी, पूरे नेशनल लेवल पर जो इलेक्शन लड़ती है अलग अलग स्टेट्स में भी। और जो स्टेट की होती है वो होती है केवल अपनी एक स्टेट में जीतेगी, वहीं इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, वहीं एमएलए बनेगी उसको, ठीक है, वहीं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है वो। तो दो तरह की होती है, सेंटर में थोड़ी वो स्टेट है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में स्टेट है, आम आदमी पार्टी वहीं पे गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो है नेशनल लेवल की पार्टी है, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है, और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके दो पार्ट बना रखे हैं वो भी है,
और यहाँ पर एक पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से निकली है एक बहुजन समाज पार्टी, यूपी बिहार एमपी हरियाणा दिल्ली वगैरह में कंटेस्ट करती है, और एक दो एमएलए हर जगह बन जाते हैं उसके, इसलिए वो क्या है वो भी नेशनल पार्टी, यानी दो स्टेट से अधिक में अगर आपके एमएलए बने हुए हैं तो वो हो जाती है आपकी नेशनल पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे वर्ल्ड की, सबसे अधिक मेंबर इसके हैं, फॉलोवर इसके हैं अभी, सेकंड पे है कांग्रेस पार्टी इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ जो है ये इसे बना रखा है, इनके तो आते ही नहीं, इनके नाते ये महाराष्ट्र की है जो पार्टी का नाम दे रखा है नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने पार्टी बनाई थी, अभी सरकार है इनकी महाराष्ट्र में इस टाइम पे, ठीक है। घड़ी का निशान सिंबल है इनका इलेक्शन का। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना रखा है इलेक्शन कमीशन ने, किस तरह से जो है हमने नेशनल पार्टी बनानी है और कैसे हमने कैसे बनानी है लोकल पार्टी, ठीक है। तो ये है तो पार्टी दैट सिक्योर, ये है इसका पॉइंट जहां से बनेगी नेशनल पार्टी, ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन एन इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में असेंबली के अंदर स्टेट के अंदर अगर वो टोटल वोट का क्या कर लेगी कम से कम 6% हासिल करेगी, ठीक है। यानी कि क्या कर लेगी यहाँ पर 6% वोट हासिल कर लेगी किसी भी स्टेट के अंदर असेंबली के अंदर, ठीक है। तो वो है एक, तो दूसरा क्या यहाँ पर है विन एटलीस्ट 2 सीट, अगर कम से कम 2 सीटें जीत जाएगी, 2 MLA बनाने पड़ेंगे इसको, ठीक है, तो वो बन जाएगी स्टेट पार्टी बन जाएगी, यानी 2 MLA कम से कम उस स्टेट में और कम से कम 6% वोट हासिल करे तो वो कहलाएगी स्टेट में पार्टी, स्टेट पार्टी कहलाएगी, ठीक है। 2 MLA जरूरी है वो स्टेट MLA, और अगर नेशनल, हाँ, तो? नेशनल में बनाना पड़ेगा तो पार्टी को क्या करना पड़ेगा लोकसभा में असेंबली में हर जगह जो है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, वही सीन है इसका भी, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ए पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन और 4 स्टेट, यानी कि कम से कम 4 स्टेट्स में जीत के आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तरीका है 4 स्टेट में जीतते और कम से कम 4 सीटें जीतते लोकसभा की, तो ये हो जाएगी यहाँ पे क्या नेशनल पार्टी में बनाई जाएगी, ठीक है। तो 2 डिफाइन कर रखिए नेशनल को और स्टेट को, स्टेट में मीनिंग यानी कि 2 MLA जरूरी है, 6% वोट जरूरी तब स्टेट कहलाएगी, और अगर नेशनल में है तो क्या होगा 6% वोट दे रखिए और 4 MP बनेंगे अलग अलग जो है स्टेट के अंदर इसके, तो कहलाएगी, ठीक है। यानी 4 स्टेट में जितना जरूरी होता है तब बनेगी नेशनल पार्टी, जैसे कि कांग्रेस की है तो कई जगह इसके MLA हैं, कई जगह इसके MP भी हैं, तो कई स्टेटों में इसके MP हैं, गवर्नमेंट भी हैं, ऐसे BJP की है, ये बन जाती है नेशनल पार्टी, ठीक है। अगर ये नहीं बन पाती हैं इसके लिए टाइम पीरियड दे रखा है बार बार से, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है अब उसके MP नहीं हैं तो वो क्या हो जाएगी बाद में स्टेट पार्टी रह जाएगी, नेशनल पार्टी नहीं रहेगी आगे से, ठीक है। ये वाली ऐसे ये पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी, तो हम यहाँ पर देख रखते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टी है जो ये पार्टी है पश्चिम बंगाल की, इसको कहते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी है ये, इसका फॉर्मेशन हुआ था कब 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, बंगाल में गवर्नमेंट है इनकी अभी भी, ये पार्टी है, ठीक है। एक तो ये जो पार्टी का नाम है ये है, इसको बोलते हैं TMC भी कहते हैं इसको, तृणमूल कांग्रेस TMC कहा जाता है इसको, पूरा नाम है इसका ऑल इंडिया, ठीक है। ममता बनर्जी लीडर है और 98 में इसको फॉर्म किया गया था और इसको नेशनल पार्टी के रूप में 2016 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था इसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है। सिंबल क्या इसका फ्लावर्स हैं, ग्रास है, घास और फूल हैं इसका सिंबल्स, ठीक है। बुक में नहीं है ये, यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर ये पार्टी है इसका सिंबल है, और बंगाल के अंदर जो है 2011 में इन्हें पावर में आई, अभी भी इनकी गवर्नमेंट बंगाल में है, ठीक है। ये है और इसके अलावा जो आसपास का जो एरिया है मणिपुर त्रिपुरा वगैरह वहाँ भी इसके इलेक्शन में इसने सिक्योर किया था वोट सीट, इसलिए नेशनल पार्टी बनाया गया था इसको। दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, सिंबल क्या है इसका हाथी, हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने भाई, बहुजन समाज पार्टी कब फॉर्म हुई, कौन लीडर है और, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है टेस्ट में मैं डाल देता हूँ कभी कभी, तो ये है बहुजन समाज पार्टी फॉर्म इन
1984 लीडरशिप है, कांसीराम ने इसको बनाया था। इसके बाद जो है पावर में रही है कहाँ पर, यूपी के अंदर। इसके लगभग जो दलित वोटर ओबीसी वोटर है, इसके माइनॉरिटी के लीडर इसके मेंबर हैं। अब तो सभी जगह इसके मेंबर हैं। और अभी जो लीडर हैं इसके वो है क्या नाम है, उनका नाम है मायावती, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीएम भी रह चुकी हैं, हरियाणा, पंजाब, एमपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर जगह इसके एमएलए बने हुए हैं पहले, इसलिए नेशनल पार्टी का इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू। हाँ, मायावती, यस। अगली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वर्ल्ड की, है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। फॉर्म हुई थी 1980 में, ठीक है। कब हुआ, 1980 में फॉर्म की गई थी बीजेपी। और इसकी जो है यहाँ पर थे जनसंघ एक पार्टी हुआ करती, उससे ये बनी थी, फॉर्म हुई थी। और इसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। बाद में जो है अलग पार्टी 80 में बन जाएगी। और इसके जो है लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह बड़े बड़े लीडर हुए हैं। गवर्नमेंट बनी है और अभी भी गवर्नमेंट बीजेपी की है, इंडिया के अंदर सबसे अधिक वोट को सिक्योर किया है, ठीक है। तो ये है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर दे रखा है एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके जो है बंगाल के अंदर था पहले वोट, अब तो कम हो गए हैं, लगातार बंगाल में सीएम रहा है इनका कई साल। तो ये नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अभी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में इसको बनाया गया था। और ये फॉलोवर है किसकी, मार्क्स एंड लेनिन की। मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है आइडियोलॉजी उसको मानने वाले फॉलोवर। और एक थे रशिया के जो रेवोल्यूशन में आए थे, उनका नाम था लेनिन, पढ़ा आपने, ठीक है। लेनिन हुआ करते, उन्होंने रेवोल्यूशन करा था रशिया में 1917 में, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन में लीडर थे ये, इन्होंने भी तो इनको फॉलो करते हैं, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, सोशलिस्ट पार्टी है ये भी। और इंडिया में भी इसका है, बंगाल के अंदर सीएम रहे हैं ये भी, पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में इनका रीजन रहा हुआ है। नेशनल पार्टी है। इसी पार्टी से एक और पार्टी निकल गई थी, वो उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी है, CPM बोलते हैं इसको। ये फॉर्म की गई थी 1964 में, ठीक है। तो भी नेशनल पार्टी है बंगाल के अंदर भी, केरला में भी। और पार्टी जो है वो आएंगे आपके यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, पॉपुलर नॉन कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी पार्टी में से एक है ये। कब बनी थी, फाउंडेड इन 1885, ठीक है। और सिंबल क्या है, हाथ का निशान है ये, ठीक है। तो हाथ का निशान है, सबके सिंबल भी याद करने हैं। पार्टी फाउंड कब हुई और इनका नाम क्या है, नेशनल है और स्टेट लेवल की है, सब अपन ध्यान रखना है। मेन मेन लीडर देख लो, नेहरू थे, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, 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 और क्या है कि इसके अभी जो है बहुत सारे लीडर और भी हैं, सुरजेवाला है अभी स्पोक्स पर्सन इसका। ये लगातार कई साल पावर में रही, हर जगह पूरे इंडिया में रही। और अभी जो है 2004 से 2014 तक 10 साल सेंटर में गवर्नमेंट रही, सरदार मनमोहन सिंह के पीएम बने थे, अभी बीजेपी ने इसको हरा के, यस। आगे है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर महाराष्ट्र में बनाई थी शरद पवार ने, अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है इसकी। 99 में अलग हुआ था ये कांग्रेस पार्टी से अलग, ठीक है। ये है तो अपने ये सब पार्टियां जो है नेशनल पार्टी पड़ी है। आगे हम पढ़ लेते हैं इसको, क्या स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं वो देख लेते हैं, वो कौन सी हैं। जो पार्टी लोकल स्टेट में, एक स्टेट में 6% वोट हासिल करेगी, 4 MLA बनाएगी, 2 MLA बनाएगी, वो होती है स्टेट पार्टी, ठीक है। तो इसमें देख लेते, इसमें लिख रखा है क्या बुक में, देख लो एक बार अगर है तो। बाकी स्टेट पार्टी का नाम देता हूँ अलग अलग ही, मैं पूरा इसी में देख लेते हैं। जम्मू में कौन सी पार्टी है, 2-3 पार्टियाँ हुआ करती, PDP थी तो, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती, ठीक है। और नेशनल पैंथर पार्टी भी है, पीपल्स, हाँ वो केवल जम्मू कश्मीर में लड़ती इलेक्शन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP कहते हैं इसका, PDP पिछली बार गवर्नमेंट थी इनकी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, और एक है पैंथर पार्टी, 3 पार्टियाँ लोकल यहाँ पर, ठीक है। यूपी में बहुत सारी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, ठीक है। जैसे दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, 2012 में बनाई गई थी, पंजाब में भी है, दिल्ली नहीं दे रखा, यहाँ पे है ब्रिटिश में, ठीक है। ये रहा, ठीक है, नहीं ये रहा झाड़ू का निशान, ठीक है। तो ये ब्रूम इसका जो है सिंबल यहाँ पे, झाड़ू का निशान, आम आदमी पार्टी, हाँ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर है पंजाब के शिरोमणि अकाली दल, और इंडियन नेशनल लोकदल है हरियाणा की, JJP भी है, जननायक जनता पार्टी अभी नई बनी है, गवर्नमेंट में फॉर्म किया उन्होंने अभी।
तो अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे दे रखे हैं, सबके नाम लिख रखे हैं पार्टियों के। आपने केवल जो दिल्ली की होगी, हरियाणा की होगी, जहाँ जहाँ जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उनके देख लो, या फिर जहाँ जहाँ जो मेन है वो देख लो एक पार्टी। ठीक है, फूल वाली क्या इंटरनेशनल पार्टी है? नेशनल है वो, TMC कहते हैं बंगाल में। यहाँ पे तो देखो ये भी लोकल में आ गई। कभी लोकल बन जाती है, कभी ये नेशनल बन जाती है, वोट पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पार्टीज हैं। अब क्या है चैलेंजेस ऑफ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी, क्या चैलेंज है बताओ पॉलिटिकल पार्टीज के? यहाँ पे देखना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पार्टीज हैं उनके अंदर अपने जो है पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी कि जो उनका चेयरमैन है, उनका जो प्रधान है या उनका प्रेसिडेंट बनता है पार्टी के अंदर, उसका चुनाव नहीं होता बहुत सी पार्टियों में। ठीक है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी के खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यानी किसी के नाम पे चल रही बस। जैसे कि पहले नेहरू था प्रेसिडेंट, फिर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी वगैरह जो है राहुल बना दिया अब, लेकिन इसके अलावा, इस परिवार के अलावा किसी को भी चेयरमैन अगर बनाएंगे तो पार्टी टूट सकती है, तो इसलिए बनते भी नहीं है, बहुत कम बने हैं, एक दो बने हैं। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, अभी इंडिपेंडेंस के बाद का ये हाल है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं केवल परिवारवाद इसमें आ गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिवारवाद होना। ठीक है, अपने ही परिवार को बागडोर देते रहेंगे कि हमारी पार्टी हमारे बच्चे को ही चले जाए, वही इसका चेयरमैन बने। ठीक, तो सभी पार्टियों में लगभग ऐसा है इंडिया में, तो किसी को भी उठा कर देख लो। तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर इसका जो चैलेंज है वो क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? हाँ, सेकंड पॉइंट पे देखा मनी एंड मसल पावर। मैंने बताया था आपको कि मनी इलेक्शन के टाइम पे मनी बहुत चलती है, मसल पावर यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, तगड़े लोग हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, धमका कर वोट हासिल करते हैं। ये भी क्या है इसका चैलेंज है। और क्या है सेकंड चैलेंज दे रखा था इसमें? हाँ, एक है डायनेस्टिक सक्सेशन, ये होता है परिवारवाद। तो ठीक है, सेकंड में दे रखा है डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, यानी कि बहुत यहाँ पर जो है एक बड़ा चैलेंज है ये, यानी कि अपने परिवार के ही मेम्बर को क्या देते हैं आगे बनाते हैं, इसका चेयरमैन बनाते हैं। ठीक है, ये वाला पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हैं जिसमें परिवारवाद है, इसके अंदर दे रखा है ये वाला, फैमिली मेंबर ही बनेगा इसका, क्या इसका लीडर बनेगा, बड़ा लीडर बनेगा। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक और चैलेंज दे रखा है कि जो पार्टी है वो क्या करेंगे, यहाँ पर मीनिंगफुल च्वाइस जो है वोटर के लिए बनती नहीं, यानी कि सब में, सभी पार्टियों में जो है एक जैसे की क्या है पॉलिसी बना रखी सब ने, इसलिए एक पार्टी अगर हारेगी दूसरे की पॉलिसी भी वैसी है, यानी कि पब्लिक के पास चॉइस करने के लिए अलग यूनिक कुछ भी नहीं है, डिफरेंस नहीं है दोनों पार्टियों में। ठीक है, तो इसको कहते हैं यहाँ पर क्या, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, ऑफर नहीं करती पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा आपका पॉइंट बनता है, मीनिंगफुल चॉइस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डोंट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, वोटर के पास चॉइस तो है ही नहीं, सभी पार्टियाँ सेम लग रही हैं भाई। हाँ, वो भी वही क्या कर रही है यहाँ पर, अपने प्रॉमिस कर रही है, दूसरी पार्टी भी सेम प्रॉमिस कर रही है, डिफरेंस नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के अंदर है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी कभी वो बनती है गवर्नमेंट में, कभी वो बनती है। तो इस तरह से जो है ये है चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज के, अपने खुद के चैलेंजेस ही बोले। और ये है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, पार्टी के अंदर जो है किस तरह से रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म मैंने कि यहाँ पे कि किसी पार्टी को सुधारा जाए, सुधार कैसे किया जाए, इसमें कैसे किया जाएगा पार्टी के अंदर सुधार। एक तो वही है जो उसकी कमियाँ हैं ना, ठीक है, जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी थी, जो कमी है इसकी वो दूर कर दो, अपने आप सुधार हो जाएगा। जैसे कि आप मसल पावर का यूज़ कर रहे हो वोटिंग के लिए, वो भी जो है दूर करना पड़ेगा तभी तो बनेगा ना। तो इसको डेमोक्रेसी को ऑन कर दो, ओपन कर दो, परिवारवाद को मत अपनाओ। ठीक है, तो डायनेस्टी को मत अपनाओ, इसमें भी अंदर इलेक्शन कराओ तभी फॉर्म होगा, इसके अंदर रिफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू द प्रिवेंट इलेक्टेड MLA एंड MP फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। ठीक है, इसमें कहा गया कि कुछ MLA ऐसे होते हैं इलेक्शन लड़े किसी और पार्टी से और बन जाएंगे किसी और पार्टी के जाके, होता ना कई बार, यानी कि पार्टी को चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं दल बदलना, डिफेक्शन कहते हैं इसको। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कह रखा है इसको अमेंड करके बंद कर दिया है कि कोई भी एमएलए जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा उसी का रहेगा, किसी और पार्टी में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर सारी की पार्टी का जो 1/3 चला गया तो पार्टी को ही खत्म माना जाएगा, पार्टी के सारे लोग चले गए, लेकिन सिंगल जाएगा तो उसकी जो है एमएलएशिप या मेंबरशिप जो है बंद कर दी जाएगी, ये कह रखा है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से क्या होगा, डिफेक्शन को रोका जाएगा, दलबदल को रोका जाएगा और रिफॉर्म किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। किसको नहीं, पार्टी को सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जब ये एमएलए अभी बन जाएंगे तब सैलरी मिलेगी उनको, मंत्री बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, पावर्स मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी कंसेशन मिलेंगे उनको। ये 50,000 रुपये भी होती है कई बार एमएलए की सैलरी, पहले बहुत ही कम थी, लेकिन इनके मान लो फ्री का रहना, इनका मकान होते हैं खुद के, ठीक है, गाड़ियाँ मिलती है, सब सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन का किराया मिलता है, सब कुछ मिलता है, एयरवेज वगैरह बाहर घूमना, ठीक है, अलग अलग मिलता है। एक एमपी को 5 करोड़ में मिलते हैं अपने एरिया में ग्रांट करने के लिए, ठीक है, एमपी को, लोकसभा की राज्यसभा के एमपी को, ठीक है। तो ऐसे दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द मनी, मनी है, क्रिमिनल है, मसल पावर है, इन सबको रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि कम से कम हो, ठीक है, ये भी है। तो ऐसे लिए जो है इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है और साथ में पहले क्या भरवाएगा, एफिडेविट करवाएगा, रेडी करवाएगा, उसे पॉइंट लिख देगा, अगर आपने कुछ क्रिमिनल केस किया या आपके पास प्रूव हो गया कि आपने कुछ झगड़ा किया हुआ है, क्रिमिनल केस आपके ऊपर है, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, ठीक है, लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एफिडेविट करना कोर्ट के अंदर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन पास्ट ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी द पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ओरिजिनल इलेक्शन एंड देयर इनकम टैक्स रिटर्न। पॉलिटिकल पार्टी के भी इनकम टैक्स लगते हैं, वो भी देना पड़ता है इनको, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो कमाई करेगी, मान लो आपने इसको चंदा दे दिया, पब्लिक इकट्ठा कर लिया पैसा और इलेक्शन में खर्च कर दिया, तो देखेगी इलेक्शन कमीशन, देखेगा कितना पैसा खर्च किया पॉलिटिकल पार्टी ने, उससे जो है जवाब मांगा जाएगा, बाद में उससे इनकम टैक्स भी भरने के लिए कहा जाएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ का खर्च किया बताया जाए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिफॉर्म करने के लिए वो दे रखे हैं यहाँ पर, कि ऐसा रूल बनाया जाए जो रेगुलेट करे किसको, इंटरनल अफेयर को करे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ऐसे नियम बनाने जाए चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट्स में दे रखे हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन, यानी कि 1/3 जो सीटें हैं, टिकटें हैं अपनी, महिलाओं को दो, फीमेल्स को दो, महिलाओं को दो, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म क्या कहते हैं कि लड़कियों को भी टिकट देने चाहिए, महिलाओं को भी, वो भी क्या है, रिफॉर्म है, दिखा रखा है इसमें, देखो एक बार, ठीक है। तो वुमेन्स भी आगे आएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, एमएलए एमपी बनेंगी, सरपंच बनेंगी, तो ये भी पॉइंट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये जरूरी करना चाहिए तो कह रखा है, हालांकि देते नहीं इतनी सीटें, ये केवल लोकल गवर्नमेंट में है 1/3 जो है महिलाएं जीत के आएंगी या बनेंगी, ठीक है, ये कह रखा है, एमएलए के नहीं कह रखा, सरपंच के लिए कह रखा है। एक क्वेश्चन नहीं आता इसमें पहले, कितने परसेंट जो है वुमेन्स को रिजर्व किया गया किसमें, लोकल गवर्नमेंट में 33% किया गया, ठीक है, 1/3 होता वो, इसमें वो क्वेश्चन ऐसे आता वो। आगे स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट खुद इनको पैसा दे और पूछे कितना पैसा कहाँ लगा, ये ठीक होता है, लेकिन पार्टी खुद अपने आप से पैसा इकट्ठा करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट कर लेती है, पब्लिसिटी कर लेती है, मंगा लेती है और पैसे लगा देती है, फिर बांटती भी है, करप्शन भी करती है, इसलिए बाद में गवर्नमेंट जीतेगी तो जब क्या करेगी वो, करप्शन में बढ़ जाती है सारे मंत्री, क्योंकि इलेक्शन में ज़्यादा पैसा लगा रखा होता उन्होंने, उसको रिकवर करने के लिए करप्शन करते हैं फिर वो, ठीक है। इसको रोकने के लिए क्या रखा है कि गवर्नमेंट खुद से क्या करे, पेमेंट करे इनको, भाई तुम्हारे दूंगा मैं इतने पैसे, अगर तुमने इलेक्शन ठीक लड़ा जीत गए तो फिर बाद में जो है क्या है, आप मंत्री बन जाओ, गवर्नमेंट बन जाओगे, लेकिन बाहर से कहीं से भी पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ से रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट इसके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये जरूरी है, करने चाहिए। ओके, तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, छोटे भी हैं, मैचिंग लिस्ट दे रखी। कांग्रेस पार्टी क्या है बताओ, कांग्रेस पार्टी नेशनल है और लोकल है या क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, नेशनल है, हाँ,
कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी भी है लेकिन यहाँ पर उसका एक ग्रुप है तो उसने अलायंस बना रखा है। अलायंस यानी कि कई सारे मिलके कई पार्टी मिलके जो ग्रुप बनाएगी उसे बोलते हैं अलायंस। इसका अलायंस बनाना अपने कांग्रेस पार्टी कौन सा अलायंस है, ठीक है, इसका है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है UPA, इसका अलायंस है, और बीजेपी का है NDA, ठीक है, दोनों को मैच कर लो। टू का ए आएगा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस का है UPA, और कम्युनिस्ट पार्टी का है कौन सा लेफ्ट फ्रंट, ये भी इसका अलायंस है। ये पार्टी है तेलुगुदेशम आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की पार्टी है ये, ठीक है, ये है। तो ये हमने किया यहाँ पर कौन कौन से। अब है छोटा क्वेश्चन एक और MCQ में, फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी कौन था फाउंडर, ए आएगा कांशीराम, ठीक है, और कब किया, ऊपर डेट दे रखी थी अपने, पढ़ी होगी, दोबारा चेक कर लेना उसको एक बार, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की फिलोसफी क्या है, बहुजन समाज, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बताओ, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, इसमें क्या आएगा आपका, रिवोल्यूशनरी, हाँ ठीक है, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, यस। तो यहाँ पर जो है इनका सिस्टम पार्टियों का अलग अलग दे रखा है, इनके यहाँ पर जो है ऑप्शन में दे रखे हैं क्या स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पे कंसीडर करनी पार्टी के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी डोंट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, ये क्या सही है गलत है बताओ, ये वाला सही है, स्टेटमेंट जो दे रखा है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी डोंट एंजॉय, एंजॉय नहीं करती ट्रस्ट अमंग द पीपल, करती है, पीपल होंगे फ्लोवर्स होंगे तो करेगी। और क्या है, पार्टी आर ऑफन रॉक बाय द स्कैंडल इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर, हाँ बहुत सारे स्कैंडल होते हैं, घोटाले होते हैं, पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन गवर्नमेंट, जरूरी है भाई गवर्नमेंट रन करना तो, ये गलत है, ठीक है। और क्या इसमें, ये तीन पॉइंट दे रखे हैं, ये ए और बी है, यस, ये आएगा का पैसेज जो है ये आता है क्या, छोटा सा पैसेज दे रखा है इसके अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने कवर कर दिए इसके अंदर, ओके चलो ठीक है, फिनिश करो इसको, चैप्टर 1 को, चैप्टर 6 को नेक्स्ट वीक करेंगे।